नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यूपीपीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर भी बात करेंगे। पिछले दो तीन पेपर जो हुए हैं अभी हाल ही में सितंबर में, उन पेपर को भी आप लोग को रिवाइज कराएंगे एक बार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाइस देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 7 सितंबर को हुआ था सुबह मीटिंग में यूपीपीसीएल जेई का। तो इसमें हम देखेंगे यह कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक इस पर ऐड करे गए थे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये आई रूल से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आप पिछले पेपर देखे तो काफ़ी जो पूछा जाता था BEE वगैरह और आपकी मशीन हो गई, ये सारा कुछ बंद कर दिया गया है। अब इसमें नए नए सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले पेपर में ऐड हो गया है ऑटो कैड और इसके अलावा है मैट लैब, ये दो चीज़ ऐड कर दी गई हैं। और उसके पिछले साल जो था 2020 में आपका PLC माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा, ये चीज़ें ऐड करी गई हैं। और इस बार का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें भी फिर से परिवर्तन करा जाएगा, और अब की बार जो आने वाला है उसमें हो सकता है बेसिक सिविल, बेसिक मैकेनिकल और भी कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनको आपको बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर आप लोग को पेपर दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर एक हाफ एडर से रिलेटेड पूछा गया है। ये हाफ एडर जो होता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें विच एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर ऑटो कैड ड्राइंग फाइल, तो यहाँ पर ऑटो कैड से रिलेटेड देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है PLC माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरे 200 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 150 जो होता है वो पूरा आपका इलेक्ट्रिकल होता है, जितना आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो 50 नंबर होता है उसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और हिंदी, ये तीनों मिक्स रहती हैं। तो आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर से आपके पूरे जो 150 नंबर के है इस पर आपका PLC हो गया, जितने भी सारे सब्जेक्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत वो सारे इस 150 नंबर का जो होगा इसके अंदर ऐड रहेंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और हिंदी, ये आपका अलग रहेगा, ये आपको लास्ट में दिखा देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आपको PDF जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लंबी PDF है ये। ये देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे आप लोग के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले साल आए थे, फर्स्ट मीटिंग का है। सेकंड मीटिंग का पेपर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर आप लोग को सेकंड मीटिंग का जो पेपर हुआ था उसको दिखाएंगे। तो ये देखिए ये जनरल अवेयरनेस के हैं, इसमें GK और आप लोग के करंट अफेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में हिंदी भी है, रीजनिंग वगैरह, यहाँ पर सारा 50 नंबर का लास्ट में मिक्स होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं टॉपिक वाइज इनके सब्जेक्ट, चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो पहले आप लोगों को वो वाले सब्जेक्ट बता देते हैं जो कि अभी तक आते रहे हैं, और इसके बाद आप लोग को लिख कर यहाँ पर हम बता देंगे कि जो सब्जेक्ट इस बार आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो हाल ही में अभी तक आते रहे हैं, तो आपकी जैसे कि BEE हो गया, मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका तीनों होगा, एनालॉग, डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा EIM होगा जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, और UEE बहुत पूछा जाता है, उसमें प्रकाश से रिलेटेड जितने भी बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये सबके अलावा जो आपके इस बार आने के चांसेस हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि नंबर 1 हो गया आप लोगों का PLC। PLC हाल ही में दे रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऑटोमेशन वाली प्रक्रिया है जो कि आजकल हर जगह यूज हो रही है। आप लोग ट्रैफिक सिग्नल में देखें या फिर कहीं भी इंडस्ट्री एरिया में देखें तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज हो रहा है। और इसके बाद सेकंड बात करें तो आपका हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर, और थर्ड हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर, और इसके बाद हो जाता है ऑटो कैड,
ऑटोकैड हो गया, और इसके बाद हो गया आपका मैटलैब जो कि अभी नया सब्जेक्ट आया है। ये एक लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग जावा वगैरह लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो मैटलैब हो गया। इसके बाद आता है आप लोगों का बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा आता है आप लोगों का, चलिए नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बता देते हैं। इसके बाद आप लोगों का हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि आपने पिछले, अगर आप लोग को अभी क्वेश्चन नहीं दिखाया है, लेकिन आप जब ये पीडीएफ देखेंगे तो उसमें मिलेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि जो संस्था है MSME, इस इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और ये हम लोग ने IMED के अंतर्गत पढ़ा है। तो इसका ये एक सब्जेक्ट हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके। और इसके बाद आप लोगों का हो गया अप्लाइड अप्लाइड मैथमेटिक्स आ सकती है, और अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, ये आप लोग को आ सकते हैं। इसके अलावा है आप लोग का बेसिक ऑफ सिविल, ये आप लोग के दो क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं, बेसिक ऑफ सिविल, ये बेसिक सिविल है, और ये बेसिक मैकेनिकल है। इसमें आपको हीट से रिलेटेड वगैरह, इंजन से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन दो तीन पूछे गए हैं, तो अब की बार चांसेस हैं कि बेसिक ऑफ सिविल और बेसिक ऑफ मैकेनिकल से भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होंगे। बात आप लोग को आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग में आप लोग ने पढ़ा होगा EDD फर्स्ट और EDD सेकेंड, EDD फर्स्ट और EDD सेकेंड। इसके अलावा IMRE, अभी आपने देखा कि आई रूल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IMRE हो गया। और जो इस बार आने के चांसेस हैं वो आ सकता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट स्टडी करके जो आपका सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन, ओजोन परत, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपका आ जाता है एक PPI करके सब्जेक्ट होता है, पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, यानी कि जो पावर प्लांट का हम लोग स्थापना करते हैं उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, जो कि जैसे पावर विंड वाले हो गए, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये सारे पावर प्लांट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हमने आप यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया है, और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ओल्ड सिलेबस क्या था और न्यू सिलेबस क्या था, क्या आ सकता है। तो ये सारे आप लोगों का देख लीजिए, सारा क्राइटेरिया आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर आएंगे, और इसके बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर